लॉकडाउन के चलते जानवर भी परेशान हो गए हैं। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर क्षेत्र में फल फ्रूट और प्रसाद खाने वाले बंदर आजकल कीट पतंगे खाकर अपनी भूख मिटा रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है। इस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान बंदर भी मांसाहारी हो गए हैं। जी हाँ, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ पर हजारों की संख्या में बंदर हैं और जब से मंदिर बंद हुआ है, श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आवाजाही बंद हुई है, तब से ये बंदर भूखे मरने की कगार पर आ गए हैं। इन हजारों बंदरों के लिए भोजन की व्यवस्था यहाँ पर लगने वाले लंगरों, मंदिर में देवताओं को चढ़ने वाले प्रसाद और होटल और ढाबों से बचने वाले भोजन और दुकानदारों के द्वारा फेंके गए प्रसाद से भी होती थी। कई बार तो ये नटखट बंदर श्रद्धालुओं के हाथों से भी प्रसाद छीन लेते थे। यही नहीं, दुकानों से भी प्रसाद चुरा कर भाग जाते थे, लेकिन आजकल लॉकडाउन के चलते उनका बहुत ही बुरा हाल हो गया है। हालांकि बीच बीच में स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें खाने के लिए भी दिया जाता है, लेकिन इतनी संख्या में भोजन की व्यवस्था करना मुश्किल है। इसीलिए जब बारिश के बाद कीट पतंगे निकले तो बंदरों का झुंड उन पर टूट पड़ा और अपनी भूख मिटाई। आज पूरे विश्व में ये जो कोरोना वायरस की महामारी फैल चुकी है, इसके चलते हमारे यहाँ पे देखने में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें देखने में आ रहा है कि बंदर जो है वो कीट पतंगों को खा रहे हैं। ये बिल्कुल स्वाभाविक ही है, क्योंकि ये बंदर भी यहाँ पे लोकल जो सब कुछ लॉकडाउन के कारण बंद है उसी के ऊपर डिपेंडेंट थे। कभी दुकानों से प्रसाद खा लेते थे, कभी कोई श्रद्धालु उन्हें कुछ खाने को डाल देते थे, तो इसलिए ये लॉकडाउन के कारण बंदरों का भी यहाँ पे बहुत बुरा हाल हो गया है। उस वाल हिमाचल के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्बाल की रिपोर्ट।